वेलकम टू शामलीज किचन। दीपावली आने वाली, ऐसे में घर का कोना कोना हम साफ करते हैं। आज हम आपके सामने किचन में इस्तेमाल किए जाने वाला चाय छन्नी, जिसके रोज इस्तेमाल से वो काफी गंदा हो जाता है, बहुत ही आसान दो तरीके से साफ करने का तरीका बताऊंगी और हम एक बहुत ही सस्ता सॉल्यूशन बनाएंगे, जिससे चाय छन्नी साफ करने के बाद बचे हुए सॉल्यूशन से हम किचन का कोना कोना चमचमा सकते हैं। जैसे सिंक हो गया, मिक्सी जार हो गया, चूल्हा हो गया या फिर किचन टाइल्स हो गया। ये सारा चीज मैं इस वीडियो में साफ करके आपको दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रोज इस्तेमाल करने से हमारी छन्नी बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। मैं यहाँ पे नीचे हाथ रख के आपको दिखा रही हूँ, मेरा हाथ सही से नहीं दिख पा रहा होगा आपको। साइड साइड भी बहुत गंदगी है और इसका छेद जो होता है वो चाय पत्ती के डस्ट से छानते छानते बंद हो जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदा है। वैसे यहाँ पे मेरे पास दो चाय छन्नी है प्लास्टिक की, जिसमें आप गंदगी देख सकते हैं, पूरा छन्नी पीला पड़ चुका है। तो इतनी गंदी छन्नी को हम किस तरीके से साफ करेंगे? और यहाँ पर मैं जो आपको प्लास्टिक की छन्नी दिखा रही हूँ, इसमें तो काफ़ी मोटा परत जमा हुआ है। तो चाय छन्नी का रोज इस्तेमाल से और इसे बिना धोए छोड़ देने से इस तरीके से मोटा मोटा गंदगी का परत, चाय पत्ती का परत जम जाता है और चाय छन्नी की जाली धीरे धीरे बंद हो जाती है। देखने में भी काफ़ी गंदा लगता है और काफ़ी अनहाइजेनिक लगता है। तो आज मैं आपको दो तरीके से चाय छन्नी साफ करना बताऊंगी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें दो चम्मच बेकिंग सोडा डालते हैं। ये मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा, जिसे हम केक में या फिर पकौड़े में इस्तेमाल करते हैं। सोडा से बहुत ही अच्छा क्लीनिंग भी होता है। दो चम्मच सोडे में हम डालेंगे दो चम्मच पानी। एक पुराना टूथब्रश ले लें, इसे हम इस तरीके से सोडा पानी को मिला लेंगे। अब हम एक थोड़ा बड़ा सा कटोरी या बाउल लेंगे, उतना बड़ा आप लें जिसमें आप छन्नी को इस तरीके से रख सके, बहुत ज़्यादा बड़ा ना लें। और ये जो हमने सोडा पानी का मिश्रण तैयार किया है, इसे हम चारों तरफ लगाएंगे इस तरीके से। बहुत ही अच्छे से ये साफ होता है। चारों तरफ हम सोडा वाला पानी छन्नी के आगे पीछे हम लगा लेते हैं इस तरीके से। मैं दो तरीके से आज आपको इस वीडियो में छन्नी साफ करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का छन्नी और स्टील का छन्नी हम अलग अलग तरीके से साफ करेंगे। हमने अच्छे से लगा लिया है और इसी तरीके से ये देखिए, ये छन्नी कितना गंदा है। और इसे हम सोडा वाला पेस्ट चारों तरफ लगा लेते हैं। इतनी गंदी छन्नी भी हम बहुत आसान तरीके से साफ कर लेंगे। मैं आपको इस वीडियो में जो तरीका बता रही हूँ, इसे आप ज़रूर अपनाएं। अच्छे से हमने चारों तरफ सोडा को लगा लिया है और आप चाहे तो इसी तरीके से हमारी जो स्टील की छन्नी है, इसमें भी आप सोडा लगा सकते हैं। लेकिन ये स्टील की छन्नी को मैं दूसरे तरीके से साफ करना बताऊंगी। और अब हम इस छन्नी को इसी तरीके से कटोरी में छोड़ देंगे बाउल में, और यहाँ पर हम डालेंगे सफ़ेद सिरका यानी वाइट विनेगर। और जैसे ही हम वाइट विनेगर छन्नी के ऊपर डालेंगे, ये देखिए किस तरीके से रिएक्शन शुरू हो रहा है। और इसी के वजह से हमारा छन्नी पे जो जितना डस्ट बैठा है ना, सारा डस्ट फूल जाएगा और बहुत अच्छे से एक एक जाली साफ होगी। तो इस विनेगर को हमें बहुत अच्छे से डालना है, उतना डालना है जितना भी ये अच्छे से डिप हो जाए यानी डूब जाए छन्नी। देखिए किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। और इसी विनेगर और सोडा वाला पानी में आप स्टील की छन्नी को भी ऐसे डाल दीजिए, तो इसमें आप एक साथ बहुत सारे बर्तन क्लीन कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये सारा गंदगी फूलने लगा है और इसके रिएक्शन से ये सारा चीज़ फूल जाएगा। और इस विनेगर वाले पानी में हम अपनी छन्नी को बिना मेहनत किए
एक से दो घंटे के लिए छोड़ दीजिए या आप पूरी रात छोड़ दीजिए। जब तक हमारा प्लास्टिक का छन्नी रेस्ट पर है एक से दो घंटा, तब तक मैं आपको स्टील की छन्नी दूसरे तरीके से साफ करने का तरीका बताती हूँ। स्टील की छन्नी साफ करने के लिए यहाँ पर हम गैस चलाएंगे और छन्नी को गैस के ऊपर रखेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए और देखिए इसमें धुआं आना शुरू हो गया है। इसमें जो भी जाली में गंदगी फंसी हुई थी ना, चाय पत्ती, जितना भी डस्ट था, वो सारा जल जाएगा। चेहरे को छन्नी से दूर रखें क्योंकि इसका धुआं से आपको खांसी भी आ सकता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बिना कोई खर्च का, बिना कोई मेहनत का, दो मिनट में आप छन्नी को इस तरीके से साफ कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड से आप प्लास्टिक की छन्नी भूल के भी ना साफ करें, वो तो प्लास्टिक है, आग में जाते के साथ वो जल जाएगा। साइड साइड धीरे धीरे घुमाते हुए छन्नी का सारा गंदगी को जला लेंगे। अगर ये तरीका आप महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं ना, तो छन्नी में गंदगी बिल्कुल नहीं जमेगी। एक से डेढ़ मिनट हमारा हो चुका है और चारों तरफ मैं घुमाते हुए छन्नी साफ कर ली हूँ। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। छन्नी को हल्का सा ठंडा होने दे। तो देखिए अभी मैंने छन्नी को कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आग पे रखा है। इसमें जितनी भी गंदगी फंसी हुई थी ना दोस्तों, सब जल गया है और बहुत हद तक हमारा छन्नी साफ हो चुका है। आपको इसके आर पार मेरा हाथ दिख रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि छन्नी हमारा काला हो गया। ये बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसे हम स्क्रब से, बर्तन धोने वाले डिश वॉश से साफ कर लेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। अब हम कोई विम बार जेल या फिर कोई भी डिश जेल आप ले, थोड़ा सा पानी, कोई ब्रश ले पुराना और इससे हम छन्नी के चारों तरफ रगड़ेंगे। अब हम स्क्रब से इसे चारों तरफ रगड़ देंगे। छन्नी को हमने अच्छे से चारों तरफ रगड़ लिया है और इस तरीके से भी रगड़े। मैं आपको अब इसे साफ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर छन्नी पर पानी डाल रही हूँ ताकि आपको यकीन हो कि इस छन्नी को साफ करना कितना आसान है। और यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं कि हमारी छन्नी कैसी थी और अभी देखिए बिल्कुल साफ हो चुकी है और काफ़ी चमकने लगी है। मैं इसे आपको पोंछ के दिखाती हूँ क्योंकि इसमें अभी बहुत पानी है तो आपको सही तरीके से नहीं दिख पा रहा होगा। आपको मेरा हाथ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, छन्नी में कहीं कोई गंदगी नहीं दिख रही होगी। मैं इसे आपको उलट के दिखाती हूँ। और हमने जो चूल्हे पे चढ़ाया था तो साइड साइड हमारा स्टील जल गया था, इसे भी हमने रगड़ा तो बहुत अच्छे से साफ हो गया। तो आपने देखा इस छन्नी को साफ करना कितना आसान है। एक घंटा हमारा हो चुका है, चलिए अब हम प्लास्टिक की छन्नी को साफ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही और साफ साफ आप देख पा रहे हैं काफ़ी गंदगी है। मैं सिर्फ इसमें नेल देखिए इस तरीके से कर रही हूँ। देखिए पूरा गंदगी सोडा और विनेगर से कट चुका है, सारी गंदगी फूल चुकी है। तो अगर हम इस पर ब्रश मारते हैं, वैसे ये बहुत अच्छा साफ होगा स्क्रब से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रश मार के दिखाती हूँ इसे में डिप करके। और ये छन्नी को मैं दिखाऊं तो देखिए गंदगी बहुत फूल चुकी है, बस इसे अब हमें रगड़ना है। देखिए कितना ज़्यादा गंदा था और मैं भी कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ हाथ से इस तरीके से कर रही हूँ। तो सारी गंदगी फूल गई है और बहुत आसानी से निकल रहा है। इसे अगर आप ओवरनाइट के लिए रखते हैं तो आपको और भी आसान हो जाएगा इस गंदगी को छुड़ाना। और अब हम स्क्रब से डिश जेल थोड़ा सा लेंगे और चारों तरफ छन्नी के ऊपर रगड़ेंगे। मैंने रगड़ लिया है और आप इसे रगड़ने के लिए जाली जो होता है लोहे वाला, इसका भी इस्तेमाल कीजिएगा।
तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। काफ़ी कम मेहनत में जिद्दी से जिद्दी गंदगी बाहर निकल आएगी। और मैं आपको यहीं पर इसे इसमें डिप करके दिखा रही हूँ कि हमारा छन्नी कैसा था और अभी कितना साफ़ हुआ है। इसमें बहुत सारा विम बार लगा हुआ है डिटर्जेंट, इसे हमें पानी से नहीं धोना है, विनेगर वाले पानी से मैं धो रही हूँ, क्योंकि इस पानी का मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी। और देखिए साफ साफ आपको इसमें गंदगी निकली हुई दिख रही होगी। और यहाँ पे जो साइड साइड है यहाँ पे हल्का सा स्क्रब चला लें। प्लास्टिक की छन्नी को हमने रगड़ लिया है और इसी तरीके से ये छन्नी को भी हम रगड़ लेंगे। इसे रगड़ के हमें विनेगर वाले पानी में ही डिप करना है और फिर से हम डिश वॉश जेल लगा के रगड़ेंगे। ये छन्नी को भी मैंने रगड़ लिया है। और दोस्तों अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़िएगा तो बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। हम ब्रश से भी रगड़ लेंगे क्योंकि गंदगी बैठी हुई रहती है और काफ़ी दिन की जमी हुई रहती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए हमारा छन्नी कितना गंदा था और देखिए अभी एकदम क्लीन हो गया है। ये साइड साइड देखिए सारी गंदगी हमारी निकल गई है किनारों से। और ये जो हमारा गंदगी है इसे भी आप ब्रश से रगड़िएगा ना तो छूट जाएगा। अब मैं आपको छन्नी धो के दिखाती हूँ। देखिए ये छन्नी तो बिल्कुल चमचमाने लगा और ये छन्नी काफ़ी सूखा हुआ दाग था और ये भी बहुत हद तक साफ हो गया है। सोचिए एक बार में जब इतना साफ हो गया तो इसे अब जब दोबारा साफ करेंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ये तो बिल्कुल नया जैसा हो गया। तो हफ्ते में इस तरीके से आप छन्नी को साफ करें। इसे भी मैं पोंछ के दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी छन्नी बिल्कुल साफ हो चुकी है। और ये जो हमारा विनेगर का पानी है अब मैं इसका आपको इस्तेमाल बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे एकदम आधा छोटी चम्मच जेल, मिक्स कर लें। पहला इस्तेमाल, हम कोई भी टेबल को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और दीपावली में हम तो कोनों कोनों की सफाई करते हैं तो टेबल के साइड साइड भी गंदगी जम जाती है, तो आप इसी विनेगर सोडा और इसमें हमने लिक्विड डाला उसके पानी से ऐसे ऐसे रगड़े, बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। और उसके बाद सूखे कपड़े से तुरंत पोंछ लें क्योंकि लकड़ी का चीज़ है। देखिए हमारा टेबल कितना चमचमाने लगा। दूसरा इस्तेमाल, ये हमारा मिक्सी का जार है, इसमें मसाला पीसते पीसते चटनी लहसुन जिंजर गार्लिक बहुत स्मेल आ जाता है, बदबू सी आने लगती है, तो ये विनेगर वाला पानी इसमें डाल के आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद फिर से वापस से ये पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से अंदर से सारी महक निकल जाएगी और इसी पानी के इस्तेमाल से आप अपने मिक्सी जार को चमचमा सकते हैं। मिक्सी जार को मैंने साफ कर लिया है और देखिए ये कितना चमचमाने लगा। यहाँ पे इसी पानी से हम चूल्हे की भी सफाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका स्टैंड निकाल दीजिए और ये जो हमारा बर्नर है इसे हम इसी विनेगर वाले पानी में पूरी रात के लिए अगर हम डूबा हुआ छोड़ दें और सुबह जब इस तरीके से इसे ब्रश से रगड़िएगा ना, अभी तो नहीं छूटेगा क्योंकि मैं बस आपको बता रही हूँ कि इसका क्या क्या इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर रगड़िएगा तो बिल्कुल चमचमाने लगेगा और इसी पानी के इस्तेमाल से आप चूल्हे भी साफ कर सकते हैं। देखिए हल्का ही मैं रगड़ रही हूँ और ये सारी गंदगी निकलने लगी, तो इसे इस तरीके से लगा के आधे घंटे आप छोड़ दें और उसके बाद रगड़ के साफ कर लें। विनेगर वाला सॉल्यूशन हमने चूल्हे पे लगा दिया है और मैं आपको ब्रश से रगड़ के दिखा रही हूँ। ये छूटना भी शुरू हो गया देखिए यहाँ पे। तो सोचिए इसे अगर आप लगा के छोड़ दीजिएगा तो हमारा चूल्हा कितना ज़्यादा चमचमाने लगेगा। साफ होने के बाद चूल्हे को पोंछ दें। मैं बस आपको इसका यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ ताकि वीडियो बड़ा भी ना हो और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स दे पाऊँ। और देखिए हमने चूल्हा पोंछा और कितना चमचमाने लगा। ये हमारा जो विनेगर का सॉल्यूशन है दोस्तों, इससे आप बड़े आराम से ये जो किचन का हमारा टाइल्स होता है मार्बल, इसे भी क्लीन कर सकते हैं,
इस सिंक को भी आप साफ कर सकते हैं, नल भी हमारा चमचमा उठेगा। और ये जो हमारा टाइल्स है आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा गंदा है, ये भी फटाफट क्लीन हो जाएगा और आप इससे किचन का फ्लोर भी साफ कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को मैं डिप करके बहुत बार इस्तेमाल की हूँ, इसलिए पानी में आप देख रहे होंगे काफ़ी गंदगी है, तो आप बस थोड़ा सा विम बार इसी में डाल दें, मिक्स कर लें। और मैं आपको ये एरिया क्लीन करके दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे हमारा सिंक कितना ज़्यादा गंदा है, देखिए सिंक एकदम पीला पड़ चुका है। तो इस पानी का इस्तेमाल करके आपको चारों तरफ रगड़ें, इस सॉल्यूशन को लगा करके 15 मिनट छोड़ दें, तभी अच्छे से काम कर पाएगा। अब मैं आपको इसे क्लीन करके दिखाती हूँ, आपको साफ साफ अंतर नजर आएगा। अब देखिए दोस्तों, लग रहा है ना कितना नया जैसा एकदम चमचमा उठा। दोस्तों वीडियो आपको जरा भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा और अपने कीमती सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। श्यामी किचन का एक और न्यू चैनल है इजी होम रेसिपीज, जिसपे गिव अवे चल रहा है, आप भी पार्टिसिपेट करें। आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है मैं लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।